हमारे घर पे कोई रहता है। इतनी सारी पतंगे क्यों लेके आए हो? ये पीयूष ने मंगाई होगी ना, है ना पीयूष? इतनी सारी मंगाई थी, मैंने दो मंगाई। कैसे हो? हल्द्वानी ले जाएंगे, बस हल्द्वानी उड़ाएंगे। वही तो हल्द्वानी ले जाएंगे, हल्द्वानी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम पता है कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं हरियाणा। हाँ सी, हमारे पुराने वाले घर में। एक्चुअली वहाँ पे एक शादी है, हमारे मकान वाले थे ना पहले वाले, तो उनके घर में शादी है, तो उन्होंने इनविटेशन दिया था, तो वहीं हमको जाना है शादी में, और पुराने वाले घर भी चलेंगे। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ हरियाणा जाने के लिए, हाँ सी जाने के लिए, पुराने घर में जाने के लिए, और वहाँ पे शादी में भी जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो चलो फिलहाल मैं तो रेडी हो गया भाई, मैं सबसे पहले उठ गया, मैं सबसे लेट, मैं 5 बजे सोया था और मैं 8 बजे उठ भी गया। तो भी गाइस, मैं तो आ गया नीचे, सभी का यहीं वेट कर रहा हूँ, पूरी फैमिली नीचे आ जाएगी। मैं यहाँ पे गाड़ी वाड़ी देता हूँ, गाड़ी रेडी करता हूँ और सामान डालता हूँ गाड़ी में, तो इतने सब आ जाएंगे भाई। सब लेट कर रहे हैं भाई, बहुत लेट हो गए। टाइम देखो भाई, 10 बज चुके। कहीं भी जाने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे ही होती है। तो फाइनली आ चुके हैं, विनीत भाई भी आ गए हैं, हाय, और पुइन कोरिया भी। अब मिलेंगे कोरिया में। आप कब जा रहे हो कोरिया, कब जा रहे हो आप? अच्छा, आज की फ्लाइट है, ओके। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर आवर सॉन्ग। मैं सौरभ जोशी के साथ मैंने गाना करा, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे मम्मी पापा भी आ चुके हैं, तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है। अभी सारा सामान गाड़ी में डालना पड़ेगा, इतना सारा सामान है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बैग है हमारे। मिलते हैं। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, गाड़ी धुलवानी पड़ेगी भाई। तो चलो गाइस, होटल से निकल गए, अब चलते हैं एक्साइटेड हरियाणा जाने के लिए। हरियाणा जय माता की। गाइस सामने देखो कौन सी बस जा रही है, कृष्णा बस, जिसे मैं यूजली ट्रेवल करता था पहले। जब मेरे को दिल्ली जाना था ना, तो मैं इस बस में जाता था। गाइस मेरे पुराने ब्लॉग देखना, पुराने ब्लॉग में देखने को मिलेगी, मैं इसी बस में जाता था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी जब, और इन्हीं सड़कों में मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी। तो बहुत यादें हैं बचपन की, पूरी बचपन की सारी यादें ही हैं 20 साल तक की। तो भी गाइस हम रुके हैं गाड़ी धुलवाने के लिए, और देखो यहाँ पे हमारी गाड़ी धुल रही है, और यहाँ पे मस्त बैठे हैं हम, यहाँ पे खाट लगी हुई है, और मम्मी मस्त पेड़ के नीचे बैठे हैं यहाँ पे। गाड़ी हमारी बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी एक हफ्ते से हम निकले हुए हैं, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम घर पहुँचने वाले हैं फाइनली, मस्त हमारे फेवरेट छोले भटूरे खाएंगे हमारे। तो गाइस गाड़ी अपनी मस्त चमक गई है, अब चलते हैं अपने घर पे। फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर सीधा, फिर लेफ्ट, फिर... पहुंच चुके अपनी कॉलोनी में। भाई कितनी खाली खाली लग रही है यार। मैं अपना बैग भूल गया शायद वहाँ, गाड़ी धोने वाले पे बैग भूल गया शायद मैं अपना। क्या था, क्यों नहीं कहा तूने बैग अपना? अरे तू मेरी गोदी में था ना, वो कहाँ भूल गया? बैग भूल गया अपना, आईपैड वाला। हमारे घर पे कोई रहता है? ये आवाज ये सुनते ही ओरियो आता था। तो भी गाइस फाइनली आ चुके अपने घर की छत पे, और देखो यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं जैसे हमारे सूखते थे भाई, और यहाँ पे अब किराएदार रहते हैं ना। तो ये रहा अपना स्टूडियो जो कि खाली पड़ा हुआ है, और गाइस पीयूष का पोपट हो गया, जहाँ हमने गाड़ी धुलवाई थी वहाँ अपना आईपैड भूल के आ गया। अब पता नहीं आईपैड मिलेगा नहीं मिलेगा इसका। तो भी साहिल गया लेने के लिए, देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा इसका आईपैड। मिलेगा मेरा आईपैड, आपको क्या लगता है मिलेगा आईपैड? मिल तो जाना चाहिए, ज्यादा कोई था तो नहीं वहाँ पे। तुझे कैसा लग रहा है? अब क्या लगता है मिलेगा? कोई नहीं था वहाँ, और वो आईपैड संदीप मेरे से चढ़ने दिया था पता है। अब कोई आईपैड क्यों छोड़ेगा, अगर किसी को आईपैड मिलेगा तो क्यों छोड़ेगा, अगर ईमानदार होगा तो ही छोड़ेगा। मिल गया वो, फाइनली मिल गया, किस्मत है भाई इसके अंदर है उसका आईपैड। तो भी गाइस हमारा खाना भी आ गया मस्त, हमने छोले भटूरे मंगाए थे फेव, तो यहाँ पे अपने छोले आ गए और ये चटनी खट्टी मीठी, तो ये हमारा फेवरेट हांसी का। तो भी गाइस सारी यादें ताजा होगी, देखो यहाँ पे हम यहाँ से देखते थे सबको, यहाँ सब्सक्राइबर आते थे हमसे मिलने के लिए, और यहीं पे गली में मस्त क्रिकेट खेलते थे हम। भाई ये क्या चल रहा है, और क्या हाल चाल? बढ़िया। इतनी सारी पतंगे क्यों लेके आए हो? ये पीयूष ने मंगाई होगी ना, है ना पीयूष? इतनी सारी मंगाई थी, मैंने दो मंगाई। कैसे हो? पतंगे देखो, देख के याद आ रही मेरे को, बार मिले तो थे। हल्द्वानी ले जाएंगे, हल्द्वानी उड़ाएंगे, वही तो हल्द्वानी ले जाएंगे, हल्द्वानी ले जाएंगे भाई। इतनी सारी पतंगे भाई, 600 पतंग क्यों लेके आए थे? छह सौ पतंग उड़ाते हो? 600 पतंग गाइस आपको याद होगा हम इस छत पर पतंग उड़ाते थे, तो आज फिर से वही यादें आ जाऊंगी, फिर से पतंग उड़ाएंगे। तो अभी गाइस हमारी चाय भी आ गई यहाँ पे, चाय पीते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं। चलो भाई ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हम पतंग उड़ाते थे मस्त। वो 2 साल वाली इसकी लवी भी है मेरे हाथ। यार याद आ रही है यार, मेरे को तो पूरी फ्लैशबैक थी उसकी पतंग उड़ाने की, स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते ही पतंग, पतंग ही पतंग। अरे उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई भाई, सही उड़ गई, तो हवा सही चल रही है ना गाइस, एक ही बार में उड़ा दी पी उसने तो। उड़ गई, बाकी सब यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं सब, और यहाँ मजा आ रहा है। 3 साल बाद उड़ा रहा हूँ, 3 साल बाद उड़ा रहा हूँ। और ये देखो भाई साहिल भी ले आया अपनी पतंग, अलग 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 उड़ाओगे क्या? एक ही छत से गाइस जी, एक ही छत से उड़ाएंगे और एक ही छत से लड़ाई करेंगे, एक ही छत से पेच लड़ाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तू भी उड़ा रहा है क्या? सारे उड़ा रहे भाई, क्या कर रहे हो भाई? गाइस एक ही छत से 3 पतंग उड़ा रहे हैं, एक ही छत से 3 पतंग। चलो गाइस अब मैं उड़ाता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। ये वाली 2 पतंग उड़ चुकी है हमारी, किसकी कार्ड में, 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 किस
यार खेचे में ले ली, लंबे में ले ली थी, लंबे की रील है वो। देखा गाइस गाइस देखो, बड़े भाई से पंगे मत लेना कभी भी। कट गया भाई। मेरे को रील ही पता खेचे की लंबे की हो। रुक जाओ, सर से आ रहा हूं मैं। गाइस उड़ाने में तो काफी मजा आ रहा है। गाइस मेरे पास एक ऐसी पतंग है, मैं सबकी पतंग काट सकता हूं। अगर मैंने ड्रोन उड़ा दिया ना, सबकी पतंग कट जाएगी। अरे यार, अरे पैर में अटक गई। तो भी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने पुराने स्टूडियो में, जो कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो, मतलब दुकान बन गई यहाँ पे। जो किराए पे रहते हैं ना, उन्होंने दुकान बना ली यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल हम निकाल रहे हैं सारा सामान अपना, क्योंकि हमको रेडी होना है ना शादी में जाने के लिए। शादी में तो हमको शाम को जाना है। तो भी गाइस गली में सभी आ गए हमसे मिलने के लिए। देखो मीटअप हो गया यहाँ पे। तो भी गाइस जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए, आस पड़ोस गली वाले सबसे, इस वाले घर में। तो हम जा रहे हैं अपने मकान मालिक के घर में, जिनके घर पे हम किराए पे रहते थे। तो गाइस इस घर में रहते थे हम पहले। ये हमारा वॉशरूम था। अबे यार भाई, यादें कोई रहता है यहाँ पे अभी? भाई यहाँ रहते थे हम। ये हमारा किचन था, ये रूम था हमारा। ये देखो किचन, देखो हमारा क्या किचन देखो। बाकी ऊपर हमारे मकान मालिक रहते थे। आंटी आ गई, आंटी। और गाइस ये रहा हमारा स्कूल, अनन निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारा स्कूल गाइस ये था हमारा स्कूल। तो अभी हमको हमारे कुछ पड़ोसी मिले हैं यहाँ पे देखो। तब गई हम आए अपने पहाड़ी लोगों से मिलने के लिए। हाँ, है? बहुत एक डेढ़ साल में। हाँ, एक डेढ़ साल बहुत दिन में आए। आज मेरा बेटा, बहुत दिन में मेरा पोते मिले दोनों। तो भी गई हम आ चुके हैं गोरा के पास में। गोरा के पास जानते होंगे। हंसी आ रही है। क्यों हंसी क्यों आ रही है? क्या हो गया? तो भी गई आ चुके अपने क्लासमेट्स के पास में। भाई के रेस्टोरेंट पे हमेशा आते, जहाँ पे हम डांस वांस करते। तो ये सारे हमारे क्लासमेट्स ही थे। फिलहाल यहाँ पे पार्टी चल रही है हमारी मस्त। तो भी गाइस फाइनली मैं रेडी हो गया शादी में जाने के लिए। तो मैंने ये शर्ट डाली अंदर से हाईनेक, बाकी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बन के जा रहा हूँ देखो किसी तरह का। तो चलो अब चलते हैं। और आज भी मीटअप होने वाला है मस्त शादी में, और काफी सारे पुराने दोस्त मिलने वाले हैं। और मम्मी जी भी रेडी हो गए हरी साड़ी डाल के, स्वेटर वही कल वाली। पापा जी भी कोट पैंट डाल के। चलो 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 गाइस, ये देखो पति पत्नी का प्यार। मम्मी की साड़ी ठीक कर दी। हम लड़कों का बढ़िया है भाई, लड़कों का सबसे बढ़िया है। कुछ नहीं करना पड़ता, ना लिपस्टिक ना मेरे कल वाले कपड़े हैं। देखो पीयूष के कल वाले कपड़े हैं, लेकिन फिर भी शादी में सबसे ज्यादा फोटो ये खिंचवाएगा। तो भी गाइस पहुंच गए यहाँ पे शादी। तो चलो गाइस फाइनली चलते हैं अंदर, मीटअप करते हैं, फोटो सेशन करते हैं। सौदा भैया का क्या नाम है? मेरा नाम क्या? सौरभ जोशी। वो बच्चों को पता है सौदा नाम है मेरा। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं दुल्हन के पास में। तो गाइस रात के 12 बजने वाले, अब जाके फ्री हुआ हूँ मैं, और अब खा रहा हूँ देखो यहाँ पे टिक्की। मौलिक ये हमको ड्रिंक्स ला के दे रहे हैं। एंड ये हमारी फेवरेट मैडम स्कूल की, भारती मैम। तो गाइस अब जाके मम्मी पापा मिले मुझे, भाई पता नहीं कहाँ थे। तू कहाँ था? हम तो इधर ही थे। मैं तो फोटो खिंचवा रहा था बस। ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरे आगे पीछे घूम रहे, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आ रहे हैं। तो फाइनली मेरा भी खाना पीना हो गया है। कल सुबह हमको निकलना भी है अब सीधा हल्द्वानी के लिए। तो भी गाइस काफी सारे लोग जा चुके हैं, और अब देखो खाली हो गया, और अब मैं चैन से बैठा हूँ बस। गाइस अभी हम जिनकी शादी में आए ना, उन्होंने मुझे बचपन में बहुत खिलाया है। जब पापा जी हरियाणा आए थे ना पहली बार, तो उनके घर पे ही हम रहते थे, उनके घर पे किराए पे रहते थे हम। तो हाँ, इसलिए हम शादी में आए, उन्होंने बुलाया था हमको। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमने बचपन में बहुत लड़ाई की। ये देखो भाई पीयूष अब खुला घूम रहा है बिना मास्क के, क्योंकि अब लोग जा चुके हैं ना यहाँ पे। क्या हुआ? अच्छा ऑटोग्राफ इस पे। तो अभी गाइस जाने का टाइम आ चुका है, एंड लास्ट में कुछ और सब्सक्राइबर मिले हमको। ओके बाय। चलो भाई चलते हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी है। ये क्या लिखा है? मिठाइयों से माला। पीयूष को मिठाइयाँ मिली गाइस। तो अभी गाइस शादी से आ गया। तो फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं, मम्मी सो चुके हैं, पीयूष सो चुका है, और टाइम देखो भाई रात के 2:30 बजने वाले हैं। अब एडिटिंग शुरू करूंगा मैं, कल 3 बजे शुरू की थी, आज 2:30 बजे। तो आज भी सुबह 4 बजे सोऊंगा मैं इसको कंप्लीट करके। तो चलो फिलहाल मैं स्लॉग को एंड करता हूँ। आज काफ़ी मजा आया हरियाणा में, पुराने घर पे आए, पुराने दोस्तों से मिले, पुराने बहुत लोगों से मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। कल वापस जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी, कल कुनाली और यो सबसे मिलेंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि पूरा हफ्ता हो गया, हफ्ते से मिले ही नहीं हम। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। आपका नाम क्या है? दिव्या। आपका क्या नाम है? दिवांश। लेकिन आप दोनों तो सेम लग रहे हो। बताओ बड़ा कौन है? मी।
I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby.